कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। नहीं, जिसका उसका जलसा जो अपना अपना अलग ले रहे, किसी का उन्होंने लिए थे, आसिफ भाई ने उनका उनका लिए थे, मुस्तकीम भाई लेंगे वो अपना अपना लेंगे, हम अपना अपना जलसा लेने वाले। ये अपने जब भी वही थी बात, अपने अपने सबने फाइनल कर लिए थे कि भाई अपना अपना जलसा लेंगे। तो इंडिया अलायंस के लोग हम तो साथ में, काम भी साथ में करेंगे, यादी साथ में बांटने वाले हैं, हर पोलिंग बूथ पे साथ में जाएंगे, सबके वर्कर मिल के काम करेंगे, हमारी यही जद्दोजहद है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक साथ कभी आ जाते थे सारे इकरार, तो एक अच्छा पैगाम शहर से आता। कोई बात नहीं, आपके इससे मैं चैनल से कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको कल लेटर भी दूंगा सबको, भाई आओ 17 परसों के रोज़ का है वो प्रोग्राम के अंदर, दोनों पार्टी के लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोग भी आ जाए, हम आपके बोलने के ऊपर लेटर देंगे। पर ऐसी बात हुई थी इसके लिए कैसा उन्होंने जलसा लिए, हम तो छोटे बन के तैयार कर रहे थे, शादी तो हमारे घर है ना, हमको तो मेहमान नवाजी करना पड़ेगी ना। माजी में ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लीडरान जो हैं खास तौर से इस तरह के इलेक्शन में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो इस बार ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं मुमकिन, असल में क्या है, हमारे बोलने के पहले यानी हमारे से जो अलहदा पार्टी के लोग जो अलायंस में उन्होंने ठहरा लिया था कि भाई हम हमारा स्टेज अलग लगाइए, तो उसकी गूंज हमारे तक आई तो नहीं बोल सके हम, उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं आया। उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने उसकी मिसाल है कि उन्होंने एक जलसा ले चुकी, शेख आसिफ साहब ने एक जलसा ले चुकी, वो इंडिया अलायंस के अंदर है। अगर वो नहीं लेते और अगर ये सारी बातें होती तो हम तो कोई बात नहीं, हम तो एक प्लेटफॉर्म पे काम भी साथ में करने तैयार है, एक स्टेज के ऊपर भी आने तैयार है। हमको तो मालूम है कल हमको शेख आसिफ साहब के खिलाफ लड़ने का है, मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ लड़ने का है, मुस्तकीम डिग्निटी के खिलाफ लड़ने का। आज मुल्क के अंदर हालात वैसे नहीं है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना है, यही हमारी सबसे गुजारिश है। और एक साथ हम लोग यही अपील करेंगे शहर के लोगों से, सब सियासी पार्टियों की, कि अपन लोगों को जो है ये सीट निकालना है। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कहीं ना कहीं हालात टर्निंग लेते दिख रहे हैं, मीडिया की भी जबान बदली हो गई, जो उसी क्वालिटी के मीडिया है जो बड़ी बड़ी दिल्ली से गली से सब तक चलाते हैं, उनकी भी जबान बदली होते कहीं ना कहीं दिख रही है। इंडिया अलायंस में समाजवादी है, एनसीपी है, इन लोगों ने तो जलसा लेने का ऐलान किया, खुद ने ले भी लिया, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, शिवसेना उद्धव ग्रुप भी इसके अंदर शामिल है, उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। एक बात सुनो, उद्धव ग्रुप का जो है ना मालेगांव के अंदर कुछ कार्य करता है, और जो हम कल जिसकी सदारत के अंदर पीर के रोज जलसा लेने जा रहे हैं अमित भाई लकड़ी वाले, वो शिवसेना उद्धव गढ़ के ही है वो भी, तो इसके लिए उनकी सदारत के अंदर हम मीटिंग ये जलसे कर रहे हैं। उन्होंने आज से शुरू किया है एक्टिविटीज़, आज उन्होंने रैली वगैरह निकाला था, और मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर कल की मीटिंग के बाद आज कुछ ना कुछ उसमें दिखने लग गया कि भाई ये शिश तो काम की लग जाएगी। सिर्फ लोगों को तक स्लिप पहुँचाना है, चाहे पावर लूम वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हम्माल हो, चाहे शेतकारी हो, कांदे का शेतकारी हो, कापूस का हो, कोई भी चीज़ का शेतकारी हो, जिनके हाथ में स्लिप जाएंगी मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस से वोट देंगे, क्योंकि सब 10 साल के अंदर यानी मार झेल के बैठ गए। जैसे अपने पुराने लोग बोलते थे ना कि भाई पहले शैतान कहीं दिखता तो बेटा लाहौल वाला लाख होता है, ला 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 पढ़ना चाहिए, तो वैसे बात है अभी बीजेपी के बारे में कि जब उसकी बात निकली तो सबको पढ़ लेना चाहिए। मुकाबला सख्त हो रहा है, इसलिए उधर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो शिवसेना पुश करेगी अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष से ऊपर पत्र व्यवहार करके। हमने जो जो हालात थे आज हमने वरिष्ठ लोगों को मैंने सब बता दिया, और परसों के दिन मतलब मंगल के रोज शरद पवार जी का भी जलसा है बागलान में, और उद्धव जी का जलसा दुलिया में हो गया, और मालेगांव के अंदर तो आप सब कंटिन्यू मेहनत, तुम हम सब मिलके मेहनत कर रहे, उसका नतीजा तो आपको मालूम है अच्छा ही आने वाला है। तो ठीक है, लेट सवेर कर रहे हैं उम्मीदवार का, अभी उनका लड़का भी मिला था, हमने यही बोला कि भाई तुम काम की लाइन लगाओ, तुम मालेगांव के अंदर नहीं आएंगे चलेंगे, हम लोग यहाँ पर काम सब करेंगे, यहाँ की कोई शिकायत सब मिलकर नहीं आने देंगे। अच्छा, बीएलओ वगैरह को जो वोटिंग की जो बात है पर्चियों को काफी तकलीफ आ रही है, हम कल से 20 लैपटॉप लेके पूरे शहर के अंदर कुछ लोगों को बैठाने वाले हैं, और वो उसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर भी हमने लेकर आ गए, उस सबको देकर वो पूरा कामकाज की शुरुआत करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वोट मिलेंगी। अभी हमारे इधर समझता हूँ ये कुछ सामने के पट्टे के अंदर 250 वोट सलामताबाद किधर आ गई, कितनी वोट आ गई,
250 और सलामताबाद की इधर आ गई। मैंने फ़ोन करके उनको बोला कि भाई तुम इधर आओ अपने तैयब भाई को। तैयब भाई आए थे शायद, उन्होंने देख कर गए और वो स्लिप कहीं करेंगे। देखो न्यूजन करने के लिए जो है ना कार्यकर्ता बीएलओ के बस के काम नहीं है ये, उनके साथ सब पार्टी के वर्कर लगेंगे जिनको जान पहचान है जिनकी सब है वो लोग लगेंगे तो ही स्लिप बढ़ पाएंगी। हम कल सवेरे से 20 कंप्यूटर का पूरा इंतज़ाम करके शहर के अंदर टप्पे टप्पे के अंदर मंडप लगा के और कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो शुरुआत अगर कल से हो गई तो हो सकता है कि अभी 80-85% स्लिप बढ़ जाए शहर के अंदर। स्लिप बढ़ने का ही मतलब है क्योंकि वो नाम के अंदर उन्होंने जो यादी स्टैम्प जो किए उन्होंने स्लिप जो दी उसके अंदर फ़ोटो नहीं है। और अगर इस्लामपुरे में मेरा घर है तो मेरे घर के इस्लामपुरे के अंदर उन्होंने नाम नहीं दिए, सिर्फ इस्लामपुरा प्रभाग करके डाल दिए उन्होंने, घर नंबर नहीं डाले। सबसे बड़ी अड़चन ये, मैंने इस बात की तकरार प्रांत साहब पर जाकर सौदा किया था। बहरहाल अब उस पर कितना अमल कर रहे वो नहीं कर रहे। हम कल जब बैठे थे इंडिया अलायंस के तीनों चारों नेता लोग उनसे हम सब ने उन्होंने हमने बात किए तो वो आज अपने को रात में फ़ोटो वाली स्लिप पूरे शहर को ला के देने वाले और वो अपने कार्यकर्ता लोगों को लेकर अपन सोशल वर्कर के जरिए उसको बांटने का काम 2-3 दिन के अंदर करेंगे और इंशाल्लाह ताला काम की शिस्त लग जाएगी। लेकिन 13 तारीख बरोस पीर शाम में 7 बजे से रात 10 बजे तक महाराष्ट्र के राज्यसभा के मेंबर जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब लोकसभा के प्रचार के लिए मालेगांव तशरीफ ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो भी अभी तक के इलेक्शन प्रचार कैंपेन शुरू है शहर के अंदर धीरे धीरे खामोश खामोश सब चल रहा है। अब वक्त तो कम है, इसके लिए हमने इमरान प्रताप गढ़ी साहब को और प्रियंका जी से भी हमने टाइम मांगा था। बहरहाल महाराष्ट्र का जो ये है चरणों उसी के टाइम के अंदर 20 तारीख को यूपी के भी कुछ जगह के चुनाव है, इसके लिए प्रियंका जी का आना नामुमकिन है। आज भी मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यानी नहीं आ सकते क्योंकि मुझे आप यूपी छोड़कर नहीं जाना है और कुछ दिल्ली वगैरह का भी उन्होंने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जलसा होने जा रहा है इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये पीर के रोज़ रहेगा और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर इससे बड़ा जलसा ना होगा नहीं। इतना बड़ी हम लोगों ने प्रचार करे और लोगों के बीच में गए और लोगों में एक उत्साह है क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब वो तो खुद एक अच्छे कवि है शायर है और उनकी वजह से एक भारी भरकम लोग जुड़ते हैं। हम लोगों का मकसद है मालेगांव शहर के अंदर वोट का परसेंटेज 70 से ऊपर होना चाहिए और मैं समझता हूँ अल्लाह की जात पे इतना भरोसा है कि इस वक्त तो पूरे मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के हालात इतने अच्छे हैं कि मैं समझता हूँ 48 के अंदर 30 और 35 के बीच के अंदर सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि आज भी मेरी सुबह महाराष्ट्र के प्रभारी चन्नी थैला जी से भी बात हुई, नाना पटोले जी थे, आरिफ नसीम खान साहब थे, हम लोग और वजाहत मिर्जा साहब थे। हम लोगों ने बैठ के कम 15-20 मिनट सुबह आराम से बैठ के सब चर्चा किया तो सब ने यही कहा कि 30 और 35 के बीच में अपनी महाविकास अघाड़ी की सीटें आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया कि पीर के रोज़ सलामताबाद चौक में शाम में 7 बजे से तो रात 10 बजे तक एक जलसा होने जा रहा है जिसकी सदारत हमीद भाई लकड़ी वाले शिवसेना के प्रमुख है वो, उनकी सदारत के अंदर हम लोगों ने ये रखा है जलसा। तो हम लोग आपके टाउन की चाहते हैं कि शहर के अंदर ये इसको आपके टाउन से शहर के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़े, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। आ चुके हैं, उसके अलावा शहर में बातें चल रही है कि इनके अलावा कोई शहर आना चाहिए। 17 तारीख को आरिफ नसीम खान साहब और नाना पटोले साहब आने वाले हैं। असल में ये काम जो है जो भी उम्मीदवार है इनका है किसको किसको यहाँ बुलाना है। शहर के अंदर पसंद होती है लोगों की, मैंने आज नाना से भी बात किया और आरिफ नसीम खान साहब को भी बोला मतलब तुम 17 तारीख का हमको टाइम दो। असल में उनको लीडरों को अड़चन क्या है कि यहाँ वो हर शहर के अंदर मालेगांव छोड़ के सुबह में सभा होती, मालेगांव एक शहर है मैं समझता हूँ कि जहाँ रात में होती है। आप रात में जब वो यहाँ आते तो उनका हेलीकॉप्टर उड़ता ना हवाई जहाज उड़ता उनको रुक जाना पड़ता उनको, इसके लिए वो दूसरी जगह जाते नहीं। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया, ये मेरे बुलाने के ऊपर यहाँ पर आ रहे,
मैंने उनको लेटर दिया और ये किया इमरान प्रताप वाली साहब को, नाना को भी आज जाकर नंदुरबार को रिक्वेस्ट किया कि साहब आप भी टाइम दीजिए, आरिफ नसीम खान साहब को भी मैंने बोला, क्योंकि पसंद ये शहर के अंदर ऐसा है जो किसको पसंद करता उसको बुलाए तो अच्छा रहता। हमने कन्हैया कुमार की भी मांग की थी और प्रियंका गांधी की, हम लोगों ने तीन लोगों की मांग की थी। अब ये काम किसका है, जो उम्मीदवार है इसमें जोर लगाना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनके पार्टी के जो बड़े जिम्मेदार हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई हम लोगों को ये हमको कैंपेन के लिए मालेगांव के अंदर होना। तो उन्होंने अभी तक के उनको तो ऐसे है कि आप कभी यहाँ रहते तो कभी आते, उन्होंने आज तक के मैं समझता कि मालेगांव के अंदर आप न्यूजन सब मिल के लगा रहे तो न्यूजन लगने की कई लाइन दिख रही है ना। तो अबू यहाँ तक के उन्होंने आजू बाजू में कल मीटिंग थी राधिका होटल के अंदर, वो आज से वहाँ का न्यूजन लगाना शुरू करे। तो छः असम वाली हल्के उन्होंने असल में बहुत लेट टिकट डिक्लेयर किए और टिकट लेट डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने धुलिए का जो हल्का है पहले उधर कर लिए, उसके बाद अब वो मालेगांव के अंदर जो किए आप करके तो आउटर में गए, कुछ दिन बागलान के अंदर थे वो। हम तो ये चाहते हैं यार आप लोगों को भी मालूम अच्छी तरीके से मालेगांव के अंदर के जलसा जुलूस की जरूरत नहीं, पर एक बेदारी पैदा करने के लिए अपनों को बुलाना पड़ रहा है लोगों को कि बेदारी पैदा। और मैं तो आपके चैनल से ही अपील करूँगा मालेगांव शहर के लोगों से, उलमाए कराम से, कि अगर 20 तारीख को मालेगांव शहर के अंदर कारोबार बंद रख के तो उनका परसेंटेज अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी भी मंदी का पीरियड है। अगर हो सकता है मेरी आवाज़ के ऊपर लब्बाई कहे और अपने कारोबार रखे, लूम बंद रहना चाहिए कम से कम, अगर लूम बंद रहेंगे तो ओड का परसेंटेज 80% तक के जा सकते हैं।